सिचुएशन बहुत गलत हुई, अंधी कमाई चल रही है यहाँ पे, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम धार्मिक स्थल आ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे अनदर व्लॉग में। और जैसे कि आपको पता है, जो लोग मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हुए थे उन्हें पता होगा कि मैं अब केदारनाथ की ट्रिप चालू करने वाला हूँ। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी अब आज से जो केदारनाथ की ट्रिप है वो चालू हो रही है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप बेल आइकन जरूर दबा लेना। सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहले आपके पास मेरे केदारनाथ की सीरीज़ जितनी भी होगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो तैयारी करते हैं और तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं, अपनी जर्नी दिखाते हैं आपको। और जो भी मेरा जो ब्लॉग आएगा वो सीरीज़ वाइज आएगा, दिल्ली टू केदारनाथ का। तो गाइस बने रहना मेरे ब्लॉग में। गाइस हो चुका हूँ मैं तैयार, हो गई है मेरी पैकिंग। अब थोड़ी बहुत देर में मैं निकलूँगा अपने दोस्त के यहाँ, फिर वहाँ से हम चार लोग इकट्ठे होंगे, फिर चारों लोग अपने ट्रिप की ओर रवाना हो जाएंगे। तो गाइस पहुँच चुके हैं साकेत मेट्रो स्टेशन, अब यहाँ से जाएंगे हम कश्मीरी गेट। और हमारे साथ तो गाइस बैठ चुके हैं बस में, हम पहुँच चुके हैं अभी रेस्टोरेंट पे। हमारी बस ने लिया है यहाँ पे ब्रेक और अब हम सब चाय पी रहे हैं। 20 की एक है भाई, 20 की एक यहीं से शुरू होती है। चाय का टेस्ट देखते हैं कैसा है, ज्यादा खास नहीं है, ज्यादा ही खास नहीं है, बेकार। टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं और हरिद्वार पहुंच गए हैं। गाड़ी थोड़ी खड़ी है, थोड़ी देर में निकलेगी, वेट कर रहे हैं, बस में अंदर बैठे हुए हैं। तो गाइस टाइम हुआ है 4:30 और पहुंच चुके हैं हम दिल्ली के, और यहाँ से हम जाएंगे अब आगे सोनप्रयाग के लिए। तो थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर फिर आगे की तरफ जाएंगे। ये है देवप्रयाग, यहाँ से गंगा जी निकलती हैं। तो गाइस यहाँ हो गई थी थोड़ी बूंदा बांदी तो हमारी गाड़ी पे डल रहा है बरसाती तिरपाल, और यहाँ पर फोटो शूट हो रहा है। तो गाइस बहुत सफर के बाद यहाँ रुके हैं पौड़ी गढ़वाल में, और यहाँ हमने थोड़ा लंच किया है। लंच करने के बाद अब आगे निकलेंगे, 3-4 घंटे का और भी सफर बचा हुआ है। गाइस बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा मजा आ रहा है भाई साहब, चलो अच्छी बात है, आना चाहिए। अभी बचा हुआ है, देखो गाड़ी भी तैयार है, गाड़ी में बैठेंगे फिर आगे और निकलना, 3.5 घंटे का रास्ता और है। बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली 12 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में, और काफ़ी थक चुके हैं तो आज हम स्टे यहीं करेंगे। तो देखेंगे डॉर्मेंट्रिया मिलेगा तो हम यहीं स्टे करेंगे, बाकी फ़ोन वगैरह भी हमारा चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, पहले चार्ज करेंगे फ़ोन वगैरह, देन हम आगे ट्रैक चालू करेंगे अपना। तो नज़ारा देखो, तो फाइनली गाइस केदारनाथ के ट्रैक पे हम चल चुके हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। पहले हम जा रहे हैं गौरीकुंड, वहाँ पे आज स्टे करेंगे। तो गाइस यहाँ गौरीकुंड के लिए गाड़ी वगैरह आती हैं तो उसके लिए लाइन लगी हुई है। 50 रुपये किराया होता है यहाँ पर गाड़ी का गौरीकुंड जाने का, और हम भी गौरीकुंड में ही स्टे करेंगे आज। तो मिलते हैं गाइस, ये नज़ारा वाटरफॉल्स, आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए। राम राम। ये हमारे पंडित। तो गाइस 18 घंटे के ट्रेवल के बाद और हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, और हमने लिया है रूम, और रूम में हमारे साथ हमारे 4 भाई तो थे और एक भाई न्यू और मिल गया।
पानी ऑफर हो रहा है। पर हमारे साथ एक सिचुएशन बहुत गलत हुई, जो जो उत्तराखंड के जो प्रशासन है वो बहुत उसमें लापरवाही कह सकते हैं उसे, जो हमने 5 किलोमीटर जो हम कैब से आ सकते थे वो हमने पैदल ही करनी पड़ी, क्योंकि हम 1 से 2 घंटे धूप के अंदर खड़े रहे कि कैब आएगी उसमें हम जाएंगे। बट अब पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा था, अब फिर हमने क्या सोचा कि अब पैदल ही चल लेते हैं, फिर पैदल चले हैं। फिर गौरीकुंड में हमने अपना एक पर्सनल रूम लिया है और हम सारे भाई यहाँ स्टे करेंगे और फिर थोड़ा जाएंगे अभी गौरीकुंड देखने, फिर नेक्स्ट डे से हम अपना कहाँ का केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो अगली जो वीडियो होगी मेरी वो केदारनाथ से ट्रैकिंग की होगी। तो उस टाइम पहले जिंदगी मेरे मजे ले रही थी, आज मैं जिंदगी के मजे ले रहा हूँ। वाह, स्वर्ग देखना हो तो केदारनाथ आओ। बहुत बढ़िया, तो कैसे कैसे आना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैं दिल्ली से आया हूँ तो सबसे पहले मैं ISBT गया था, तो ISBT पे हम जैसे पहुँचे तो हमको बताई गई थी 418 रुपये की टिकट, बट जो हमें मिली थी वो 423 रुपये की टिकट, 5 रुपये का हमारे साथ वहाँ घोटाला हुआ। चलो कोई बात नहीं, काला धन सफ़ेद धन जो भी है वो हो गया हमारे साथ। फिर हमने वहाँ से प्रयाग के लिए हमने जीप ली जिसका हमें पड़ा था 700 पर पर्सन, और थोड़ा ऊंच नीच करके, हाँ वो भी हमने नेगोशिएबल करके जैसे तैसे लाए इसको, हाँ 700 में लाए। देन फिर हम सोन प्रयाग पहुंचे, सोन प्रयाग में आते आते हमारी हालत खराब हो गई, 13 घंटे लग गए हमको आते आते। हाँ, और हम जाके 2 बजे करीब सोन प्रयाग पहुंचे, और अब हम गौरीकुंड आए हैं। हमारे साथ जो हुआ वो आपको हमने मैंने बता दिया, क्योंकि उस टाइम मेरा फोन चार्ज ही नहीं था। हमें 2 घंटे लाइन में लगे रहे, 2 घंटे पसीने लथपथ होने के बाद भी हमें जाने नहीं दिया। उसके बाद हम मजबूरी में पैदल आना पड़ा 5 किलोमीटर, जो कि हम कैब से आ सकते थे। मजबूरी है, अब आ गए हैं, कमरा ले लिया, अब थोड़ा आराम करते हैं, फिर बाहर का नज़ारा भी दिखाएंगे। कैब के लिए बोला गया तो बोला 600 रुपये, 5 किलोमीटर के लिए 600 रुपये मांगे जा रहे थे। अंधी कमाई चल रही है यहाँ पे, जो जो मांग रहा है वो ठीक, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम धार्मिक स्थल आ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्यों आपका क्या कहना है? गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों धार्मिक स्थल पे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस ये है गौरीकुंड, और इस व्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे और कल से आपको यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहीं से गौरीकुंड से नहाकर हम अपना ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मेरे